नमस्कार, फूड क्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है मावा के गुलाब जामुन। तो यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन बनाया है, उसके लिए मैंने यहाँ पे मावा यूज़ किया है। देखो, एकदम ही सॉफ्ट और टेस्टी गुलाब जामुन यहाँ पे बने हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मावा। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मावा लिया है। मावा एकदम फ्रेश है, आप भी फ्रेश ही मावा यूज़ करना। 50 ग्राम पनीर लिया है, मैदा लिया है और बेकिंग सोडा लिया है। अब हम एक प्लेट में मावा निकाल लेंगे और उसको अच्छे से हाथ से मसल लेंगे। मावा को हमें यहाँ पे एकदम चिकना करना है, उसमें एक भी दाना नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमें हाथ से उसको इस तरह से मसलना है और एकदम सॉफ्ट बना लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। पनीर को यहाँ पे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए मावे में। तो यहाँ पे हम ये दो चीज़ें मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा और 2 चम्मच मैदा, और इसको भी हम डो के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका डो बना लेंगे और अच्छे से इसको हाथ से मसल मसल कर सॉफ्ट बनाना है। हम इसमें 2 चम्मच मैदा और ऐड करेंगे। देखो, इस तरह से इसको 10 से 15 मिनट के लिए मसलना है और फिर इसको ढक के रख देना है आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पे हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी के लिए यहाँ पे मैंने ली है शक्कर 2 बाउल। उसमें डालेंगे 1 बाउल पानी, इसको उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद हम इसमें डालेंगे केसर, इलायची पाउडर और इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे। चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, 10 मिनट में पक जाती है। अब हम छोटे छोटे साइज़ के गुलाब जामुन बना लेंगे। देखो, स्किन पे एक भी क्रैक नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमें एकदम सॉफ्ट गुलाब जामुन बना लेने हैं ताकि ये तेल में फटे ना। इस तरह से मैंने पूरे गुलाब जामुन बना के रखे हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो एक कढ़े में मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल को लो टू मीडियम हीट पे गरम करना है। इसमें हम डाल देंगे गुलाब जामुन और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पे 3 से 4 मिनट लगते हैं लो फ्लेम पे, और इसको हमेशा ऐसे हिलाते रहना है ताकि अच्छे से सभी साइड से एक ही कलर आए। और गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे और फिर चाशनी में डाल देंगे। गुलाब जामुन को चाशनी सोक करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे सॉफ्ट और स्पॉन्जी गुलाब जामुन बन के रेडी है। तो आपको मेरी रेसिपीज पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट लिख के भी बता सकते हो कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। थैंक यू।